हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान के पास एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने सर 40 के विरोध में जमकर नारेबाजी की। युवा समाजकरण ने सर 40 का विरोध करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्रों का कहना था कि सभी राज्य के पास अपनी स्थानीय नीति है, एक झारखंडी है जहां छात्रों को ठगा जा रहा। देखिए, बिल्कुल 60-40 का विरोध तो नवीन नहीं है, ये चरणबद्ध तरीकों से महीनों से यह आंदोलन चल रहा है। और झारखंड के 2400 जिला से और हजारीबाग की क्रांतिकारी धरती से भी जो है छात्र, आप लोग मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा कि हजारों संख्या में छात्र जो है वो सड़क से सदन तक उतर चुके हैं। विधानसभा घेराव की बात हो या मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो या सोशल मीडिया पर ट्विटर अभियान की बात हो या हर विधायक को से समर्थन प्राप्त की बात हो, आर्थिक नाकेबंदी की बात हो, बंदी की बात हो या मसाल जुलूस की बात हो, हर रूप में जो है छात्र जो है वो 60-40 ना चल तो का विरोध कर रहे हैं। पहले सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर विरोध क्यों। तो विरोधी मैं व्यक्तिगत रूप से बस यही कहना चाहता हूं कि विरोधी इसलिए है कि यह झारखंडी छात्रों, मूलवासी और स्थानीय वासी जो यहां रह रहे हैं, जो यहां वर्षों से रह रहे हैं, उनको ठगने का कार्य किया जा रहा है इस 60-40 प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि यह नियोजन नीति जो लाई गई है उसमें 60% जो है वो आरक्षण दिया गया है झारखंडी छात्रों को, वैसे छात्र जो ST है, SC है, OBC है और EWS है। बता दे कि हेमंत सरकार 60-40 नियोजन नीति को लेकर बैकफुट पर है। लगातार छात्र संगठन 60-40 नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार का विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले अगर सरकार इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढती तो सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।